हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? मेगा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी नहा वाली हैं, साफ़ सफाई सब हो चुकी है घर की, बस अब करूँगी मैं पूजा। सुबह के बज रहे हैं 9:30, आज हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट पूजा करने में। तो अभी सारी सफाई फिनिश कर दी पूरी, आज है संडे। और निक्कू भी आज घर ही है, निक्कू अभी तो गई है वॉशरूम, उठ गई है, और निक्कू भी उठ गई है। अब बनाएंगे नाश्ता, पहले कर लेते हैं पूजा। पूजा करने के बाद बनाएंगे नाश्ता। और सारी सफाई हमने पूरी आज 9:30 बजे कंप्लीट कर दी है। और बस आज थोड़ा हमें मार्केट भी जाना है, सामान वगैरह लेके आना थोड़ा, तो वहाँ भी जाएंगे। और देखो आपको मैं सफाई कर दी है, पूरा घर साफ़ हो गया, बिल्कुल पोचा झाड़ू सब हो गए, रसोई भी बिल्कुल साफ़ कर दी है। बस सुबह सुबह मतलब सब कुछ साफ़ वाफ करके रख दिया है। और अब बस बनाएंगे नाश्ता, चाय वगैरह बनाएंगे। अभी चाय भी नहीं बनाई, बस ऊपर के लिए बनाई थी, वो बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, मैं नहा ली हूँ। मैंने अपने कपड़े साथ के साथ मैं धो देती हूँ, जो नहाती हूँ तो मैं नहा ली हूँ। अब चलो पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर मिलते हैं उसके बाद। छोटे हैं देखो, कितने कितने के हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, मेगा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप अब पीछे देख ही रहे होगे, मैं कर रही हूँ जन्माष्टमी की तैयारी, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो गया। देखो पहले तो ये माला मैंने ये ऐसे लगा लिया, और ये जो ये हम ये लेके आए हैं ना घास वाला, ये ना थोड़ा छोटा आ गया। अब इसको ना ऐसे एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा, और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी झूले की तरह। और अभी लगाते हो फिर आपको दिखाते हो। सो गाइज़ देखो, मैंने इतना लगा दिया, ये झूला भी सेट कर दिया। ये मैं ना रात को ही करके रख रही हूँ, फिर सुबह ना जल्दी जल्दी मैं हो नहीं पाता इस वजह से, तो मैंने नीचे ऐसे कर दिया। वहाँ पे अभी सामान रखा जाएगा, वो सब तो शायद सुबह ही रखे, बस मैं पीछे का और सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद एक तो लड़ी लगाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। देखो मैंने डेकोरेशन कर दिया, ये देखो बताना कैसी लग रही है। अभी पहले मैं अभी कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ, और आपको भी दिखाती हूँ। मम्मी हो रही है यहाँ पे अभी तैयार, मम्मी का ये जूड़ा देखो, आज धोना पड़ गया, वैसे थर्सडे को धोते नहीं है। देखो पीछे से कितना अच्छा लग रहा है ना, आप बताना कमेंट करके क्या। तो गाइज देखो पूजा डन हो चुकी है, और डेकोरेशन पूरी हो गई थी, और पूजा भी हमने कर दी है। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी, और देखो आप कमेंट करके बताना आपको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। देखो और वहाँ पे पूजा कर दी थी, अभी वहाँ की ना लाइट बंद हो गई, मैंने यहाँ से ना तार हटा दिया, अभी उसे दोबारा लगाऊंगी। अच्छा लग रहा है ना। और मैंने ये ड्रेस पहना है, मैंने ये सूट पहना है, ड्रेस नहीं सूट पहना है, पर्पल कलर का। तो गाइज हमने पूजा कर दिया है, ये हमारे कान्हा जी हैं, हमारे दो दो लड्डू गोपाल हैं, ये छोटे ये थोड़े से बड़े हैं, और ये हमारे खाटू श्याम जी बाबा हैं, श्याम बाबा। और हमने ये छोटा सा दरबार लगाया, अब बताना कैसा लगा है, मतलब निक्कू ने कराया ये सारे डेकोरेशन, निक्कू ने सजाया पूरा, और मैंने बस इसे ला के दिया, इसने सारी डेकोरेशन खुद करी है। तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा, और सबको हैप्पी जन्माष्टमी सुबह से, क्योंकि मैं बोल नहीं पाई थी, क्योंकि मैं लगी रही थी काम में, थी मैं बिजी घर के में, और मैं करण को दवाई भी दिलाने गई थी, उसकी दवाई ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से मैं सुबह से आपको
जन्माष्टमी की बधाई भी नहीं दे पाई। तो हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी बन रही है 7 तारीख को, कहीं कहीं 6 को भी मना दी, तो हमने मनाई है 7 तारीख को। तो हमने दिन की पूजा कर दी है, दिन की पूजा हो चुकी है, और रात की पूजा में आपको फिर से शामिल करेंगे जब हम रात को पूजा करेंगे, क्योंकि निक्कू के पापा तो है नहीं, हम यहाँ तीनों, निक्कू के बाबा भी जल्दी से आते नहीं है इस पूजा में, क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं ना, 12 बजे तो बाबा इसके सो जाते हैं। तो बस मैं, निक्कू और करण, हम तीनों ही पूजा करेंगे। निक्कू के पापा की बार है नहीं, वो है अपने वहीं शोरूम पे, वो आ नहीं पाए। और बस चलो दिखाते हैं आपको रात की पूजा। अभी वैसे फिलहाल यही है कि घर का काम सब हो चुका है और व्रत भी निक्कू ही है। मैं तो व्रत मेरे से तो करा नहीं जाता, थायराइड की वजह से मेरे से व्रत होता नहीं है, मुझे भूखा नहीं रहा जाता। तो चलो मिलते हैं शाम की पूजा में और दिखाते क्या क्या भगवान जी के लिए हम क्या क्या मतलब भोग लगाएंगे। ये ज़्यादा कुछ वैसा खाती नहीं है बनाने बनाने का, तो मैं देखती हूँ मिठाई लेके आऊँगी, मिठाई से भोग लगाएंगे और पंजीरी वगैरह देखते हैं बनाते हैं। तो ये वैसे खाती नहीं कुछ भी, पर भोग लगाने के लिए तो थोड़ी बहुत बना ही लूँगी। और मंदिर भी जाएंगे शायद, देखते हैं मंदिर भी। और बस इतना ही है, चलो मिलते हैं आपको बाद में पूजा। गाइस ये थोड़ा सा हमने अभी सामान मंगाया था, ये भी आ चुका है, चावल आटा और साबुन, टफी का बिस्किट वगैरह। और आप कमेंट करके बताना मैंने कैसे किया, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ मंदिर में भी पूजा हो गई थी, टफी यहाँ लेटा हुआ है। मौसम तो खैर आज गर्मी तो हो रही है, पर अभी ना धूप नहीं निकल रही और 2:30 बज रहे, 2:30 हो रहे हैं, फिर भी सही है मौसम आज। बादल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। और टफी यहाँ लेटा हुआ है, और अब आपको मिलेंगे ना शाम को जब पूजा करेंगे, और क्या क्या बनाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जन्माष्टमी को बारिश आती है, अब देखते हैं आएगी नहीं आएगी, रक्षाबंधन को तो आई नहीं, आई नहीं। और अब देखते हैं क्या करेंगे, और मेरा सूट भी बताना कैसा लग रहा है। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7, और मैं अब पहले एक बार यहाँ पे जोत जला देती हूँ, क्योंकि 12 बजे तो होगी दोबारा से पूजा, और आपको गाने की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी। 12 बजे तो पूजा होगी, तो अभी मैं थोड़ी सी अभी पूजा कर देती हूँ, पहले मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे और मंदिर में जोत जलाती हूँ। और अभी शायद से हम लोग मंदिर भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी दिखाती हूँ। तो गाइस अब मैं करती हूँ पूजा, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे को डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस पूजा हो चुकी है डन, वहाँ पे भी हो गई है, यहाँ पे भी हो गई है। तो गाइस हम मंदिर में आ गए थे, और यहाँ पे देखो लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठा रखा है, मैं और मम्मी लड्डू गोपाल जी को झूला रहे हैं। और यहाँ पे हमारे मंदिर में बहुत अच्छी डेकोरेशन रखी थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी, और गाने की आवाज़ भी आ रही थी ना, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो तो बनाई नहीं, पर बनाई भी। और ये ना हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो ये दोनों कृष्णा और इसकी बहन राधा बनी हुई थी, और भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो रही है।
और हमें यहाँ पे ना माँ जी भी मिल गई थी, तो हम यहीं पे उनके पास ही जाके बैठ गए थे, थोड़ी देर बैठे फिर हम आ गए। और डेकोरेशन तो इस बार बहुत ही अच्छी हो रही थी, यहाँ पे मंदिर में पूरा कीर्तन हो रहा था। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, व्यवस्था तीन घंटे बाकी, आप ऐसे तो बोल बोल के हमारे बजरंग कीर्तन को करोगे। राधे कृष्ण भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की, छोटे छोटे कलाकारों की बहुत लबड़ी लबड़ी स्वागत हमारे नाना जी का। अभी अभी हम बिल्कुल घर आए और देखो ये कूदने लगा, एक मिनट लाइट जला लूँ, अंधेरा हो रहा है। तभी अब ये जैसे ही मैं वीडियो बनानी शुरू करूँगी वैसे ही ये चुप हो जाता है। वहाँ इतनी तेज लग रहा था, अब कान सुन से हो रही, कुछ सुनाई सा नहीं दे रहा। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा, पूरा गाँव वहीं पर पहुँच गया था, ऐसा लग रहा था मेरे को तो। अटफी बाय, हम दोबारा जा रहे हैं, बाय बाय टफी, चलो हम जा रहे हैं, चलो बाय बाय बाय। कहाँ मैं ना लेकर जाऊँ, जा मैं जा रही हूँ, तू घर है टफी, तू घर है, घर है, जा रही हूँ बाय। नहीं मैं नहीं लेकर जाऊँगी, चलेगा चलेगा तू भी चलेगा, टफी तो यहीं पर है, चल आ जा तो, हाँ चल, चलो मुँह का है, मुँह का टफी, मुँह का लो, चलो मुँह का ले, मुँह का चलो, चलो चलो मुँह का है, मुँह का, मुँह का टफी के मुँह का, अच्छा ये चलो चलो चलो, नहीं टफी नहीं, टफी नहीं जाएगा, मम्मी गई, टफी गई मम्मी, देखना। अरे टफी गाइस और मंदिर देखो, अंधेरे में भी इतना अच्छा लग रहा है। और टाइम हो चुका है गाइस, टाइम हो चुका है 9:45, तो अभी 2 घंटे देखो तभी, चलो चलो तो गाइस मैं बोल रही थी अभी हो चुके 15 और अभी 2 घंटे उसके बाद हम करेंगे पूजा, और ये नहीं मान रहा है मेरे को, मेरी बात पूरी करने नहीं दे रहा है। हाँ तो 2 घंटे बाद हम करेंगे पूजा, इतने हम लेट जाते हैं। मम्मी ने तो रोटी वोटी खा ली है और टफी ने भी खा ली, देखो कैसे बैठा है पीछे। और गाइस मिलते हैं आपको 2 घंटे बाद, फिर आपको दिखाएंगे कैसे हम रात की करते हैं पूजा, बाय। तुझे
तो फिर भी आज नहाया है और तभी वाइट वाइट हो रहा है। और मैं तो आपको बताइए डेली नहाती हूँ। लालू के साथ देखो टफी ने क्या हाल कर दिया। ये लालू लालू टफी को फिर से खुजली कर रहा है। अभी तो ठीक हुआ है टफी, खेल ले इसको, रात में मस्ती आ रही है। दिन भर तो पड़ा रहा है बस सुस्त सुस्त सा। टफी चलो बाय। चल चल लालू चल बाहर। चलो लालू चल चल खड़ा हो जल्दी। ये लालू की वजह से ना टफी को खुजली हो जाती है, इस वजह से भगाना पड़ जाता है। फिर इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। देखो इसकी पूँछ में भी ना बाल उड़ गए थे और अभी मंदिर से आ गए। खैर मैंने आपको बता दिया, अभी 2 घंटे में दिखाते हैं आपको। देखो मैं दिखा देती हूँ, इतना हो रहा है टाइम, अभी 2 घंटे में दिखाएंगे आपको। और टफी को मस्ती छा रही है, टफी बुगली बुगली बाबू हो रहा है। टफी टफी कैसा बाबू हो रहा है तू बुगली बुगली। सो गाइस अब मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ, मींस बेड वगैरह। देखिए ये आपको ये इंसान दिख रहा है, ये जो पानी पीने के लिए आया है, इसने पूरा घर गंदा कर दिया हमारे पीछे से। देखो जो ये इंसान पानी पी रहा है, इसने देखो देखो कमरा तो फिर भी साफ है। टफी ओए हम जा रहे हैं बाय। मेरे तो खैर ये सुनता ही नहीं है तो रहने दो। तो गाइज अब मैंने साफ कर देती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ बाय। गाइज अभी ना दूध और वो लेने के आना था दही, और 10 बज चुके और अब हम लेने जाएंगे, भूल गए। यहाँ मम्मी पैसे निकालते हुए और देख रहे हो गाइज 500 गाइज चलते तो चलो 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 नहीं से रहने दो, आएगा नहीं रहने दो, 2 मिनट रुकते तो फिर। सो गाइज अभी हम वहाँ गए थे ना तो ना टफी भौंकने लगा था, अब देखती हूँ अब तो चुप है शायद। गाइज हमारी कुंडी जाम हो गई। ओ गाइज हमारा लाडो तो लेटा है बैठा है। लाडो बेटी की आँख कैसी आ रही है, कुंडी तो लगाओ जाओ आले आजा आजा चले अब अभी ना मत देख। जब भी भागने लग जाता है मत हिला के दिखा इस पूछ को, थप्पड़ मारोगे खींच के। है सो गाइज अब तक बहुत ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, तो जब तक अब मैं आके जो शाम को पूजा करूँगी और जो हम लोग 12 बजे पूजा करेंगे वो लोग आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।